राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज बात करते हैं दीपावली पूजन कब करना चाहिए। दीपावली पूजन का बड़ा ही विचार विमर्श चल रहा है कि 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। इस निर्णय में हम दीपावली पूजन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, यह सबको पता है। इस वर्ष सम्मत 2081 में कार्तिक अमावस्या तिथि 31/10/2024 गुरुवार को दिन में 3:54 से प्रारंभ होकर के अगले दिन 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को सायं 6:17 तक रहेगी। कहीं पर 16 मिनट तक रहेगी, कहीं पर 15 मिनट तक रहेगी। इस स्थिति में अमावस्या दो दिन प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त के बाद में भी अमावस्या तिथि रह रही है, मतलब प्रदोष काल को अमावस्या तिथि छू रही है। अब इसमें निर्णय ये आता है कि यदि दो दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए। इस तरह के पीछे पितृ कार्य भी हैं, देव पितृ पूजन भी है और पार्वण कर्म भी है। इस दीपावली एक दिन पूर्व मनाई जाए तो यह काल में अभ्यंग स्नान, देव पूजन, पार्वण कर्म इत्यादि यह क्रम नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह है कि निर्णय सिंधु के प्रथम परिच्छेद के प्रश्न संख्या 26 पर निर्देश है कि जब दो तिथि कर्म काल में विद्यमान हो तो इसका निर्णय युग्मानुसार करना चाहिए। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना जाता है। अमावस्या के साथ में प्रतिपदा का युग्म सूक्ष्म माना जाता है, यह पिछले कई वर्षों से देखा गया भी है। जैसे सम्मत 2071 में, 72 में, सम्मत 2075 में कि अमावस्या रात्रि को 9 बजे समाप्त हो रही है, दीपावली पूजन सिंह लग्न इत्यादि रात्रि को होते हैं, तो प्रतिपदा युग्म होती है वह शुभ मानी जाती है। अर्थात प्रतिपदा युता ग्रहण करना ही फलदायी होता है, नहीं तो निर्णय सिंधु में लिखा है कि इसका उल्टा परिणाम हो सकता है। दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्म सिंधु में भी एक लेख है कि तत्र सूर्योदयम व्याप्यास्तोतरम घटिकाधिकम रात्रि व्यापनी दर्शे न संदेह है। इसमें यह लिखा है कि यहाँ सूर्य उदय से व्याप्त होकर के अस्त काल के उपरांत एक घटिका से अधिक व्यापनी अमावस्या हो तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अपनी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु कई ग्रंथ और भी है, उनका निर्णय भी है कि अगर सूर्य उदय के साथ में और सूर्य अस्त तक जो तिथि रहती है उस तिथि को मनाना चाहिए और उसमें उसी तिथि को देखना चाहिए। इस संयोग में इस वर्ष दीपावली 1 नवंबर को सूर्य उदय के साथ से लेकर के और सूर्य अस्त प्रदोष में भी यह तिथि आई है। तो दीपोत्सव दीपावली का त्यौहार प्रदोष काल में माना जाता है, रोशनी का त्यौहार है। तो 1 नवंबर 2024 को आप भी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएं। मैं उन विद्वानों का भी मत का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं कि वो बता रहे हैं कि 31 तारीख को दीपावली मनाना चाहिए। उनके भी धर्म शास्त्रों के अनुसार और जयपुर में धर्म सभा भी हुई थी, उसमें कई अच्छे अच्छे विद्वान थे, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने भी किसी भी प्रकार का कोई तर्क दिया है तो कुछ सोच समझ करके और अपने धर्म शास्त्रों से कुछ उन्होंने निकाला है। मेरे
मैंने तो यह निर्णय दिया है कि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों पुस्तकों में अगर यह वर्णन आता है तो अपन को मिलजुल करके 1 नवंबर 2024 को दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए और आप 1 नवंबर 2024 को हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।